रहमानी रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ब्रेजिलियन फिंगर वैक्स का रिव्यू जो मेरे पास मौजूद है। ये पैक देख सकते हैं आप, यहाँ लिखा है ब्रेजिलियन फिंगर वैक्स अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग ग्रिप। तो ये एक फिंगर वैक्स है जो कि अच्छी नहीं है बिल्कुल भी। मैंने इसे एक लोकल मार्केट से परचेज़ किया 100 रुपीज़ में, और यहाँ पर बिल्कुल भी मेंशन नहीं है कि ये पाकिस्तानी ब्रांड है या फॉरेन कंट्री का है। आई थिंक ये पाकिस्तानी ब्रांड है क्योंकि मैंने एक लोकल मार्केट से लिया था, और मुझे काफ़ी उम्मीद थी कि ये इतनी अच्छी वैक्स होगी। फिंगर वैक्स तो अच्छी होती है। मैंने फ़र्स्ट टाइम इसको बाय किया और फर्स्ट टाइम इसे यूज़ किया तो इसने बिल्कुल भी वर्क नहीं किया। हालांकि फिंगर वैक्स लगाकर और फ़ौरन से फिंगर से हटाते हैं तो बाल निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैंने इसको दोनों तरह से यूज़ किया, फिंगर से भी, लेकिन ये चिप चिप किया, बिल्कुल भी एक बाल भी नहीं निकाला। फिर मैंने सोचा चले मैं इसको वैक्स स्ट्रिप की मदद से इसको वैक्स स्ट्रिप के साथ यूज़ करता हूँ, तो मैंने वैक्स स्ट्रिप के साथ भी यूज़ किया। उससे भी इसने बाल बिल्कुल भी नहीं निकाले। मैं इसे खोल कर दिखा देता हूँ। इस तरह से प्लास्टिक लीड में है, प्लास्टिक जार में है, और इस तरह के हनी वैक्स में है। दिखने में कंसिस्टेंसी वैक्स की तरह से ही है बिल्कुल, और दिखने में लग रहा है कि ये काम करेगी। इस तरह से उंगली पे लेकर हमने इसको लगाना है और अपर सिट डायरेक्शन में निकाल देना है, तो बाल इससे इजीली निकल आते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, मेरे पैसे ज़ाया गए और इसने बिल्कुल भी काम नहीं किया। पता नहीं ये एक्सपायर है या फिर इसको ठीक तरह से बनाया नहीं गया, ठीक तरह से पकाया नहीं गया, या फिर इस तरह के जार में किसी ने वह कुछ शुगर को पका कर थोड़ा सा हनी डालकर इसमें ऐड कर दिया, पता नहीं क्या किया है क्या नहीं किया। बहरहाल इसने बिल्कुल भी काम नहीं किया, ये अच्छी नहीं है बिल्कुल भी। इस तरह की वैक्स अगर आपको मार्केट में नज़र आती है तो आप बिल्कुल भी बाय नहीं कीजिएगा, अच्छी क्वालिटी की लीजिएगा और गारंटी के साथ लीजिएगा, क्योंकि इसकी गारंटी नहीं थी। 100 रुपीज़ में वो सेल कर रहे थे, मैंने सोचा चले लेते हैं। और इस तरह से मैंने इसको लगाया और इस तरह से निकाल देते हैं। फिंगर वैक्स जो है बहुत अच्छी होती है, इसमें आपको स्पैचुला और वैक्स पेपर या वैक्सिंग कपड़े की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस आपने फिंगर की मदद से लगाना होता है और इस तरह से निकालते जाना होता है। आप इससे साइड बर्न्स, अपर लिप्स, चिन एरिया, हैंड्स के, लेग्स के बाल इजीली निकाल सकते हैं। तो ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और बिल्कुल भी परचेस नहीं कीजिएगा। इस तरह की देख रहे हैं आप, नज़र आ रही है तो बिल्कुल भी नहीं लीजिएगा। मार्केट में इससे भी अच्छी फिंगर वैक्स अवेलेबल है तो आप वो यूज़ कीजिएगा। मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह वैक्स, अगर फिंगर वैक्स बाय करूँगा, उसका रिव्यू आपके साथ शेयर करूँगा, तो इट्स रेडी टू वर्क, वो काम करेंगी क्योंकि मुझे पता है। और ये मुझे इसका आइडिया नहीं था कि ये काम नहीं करेगी, तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आप इसको बिल्कुल हरगिज़ हरगिज़ परचेस मत कीजिएगा, ये अच्छी नहीं है, तो इसको ट्राई मत कीजिएगा। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।